हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। ALPCVT 1 एग्ज़ाम 20/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है। डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, सिराहों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, इसका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? Na2। मानव शरीर का pH स्तर होता है 7.0 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है? विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवंशिक सामग्री के भाग हैं जीन। अब है ALPCVT 1 एग्जाम 20/8/2018 सेकंड शिफ्ट का पेपर। क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की दृढ़ता को रोज दोहराए प्रतिबंध का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लैंक। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक और सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। आधुनिक और सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। ALPCVT 1 एग्जाम 20/8/2018 थर्ड शिफ्ट। क्वेश्चन है, एम कच्चा
सेल में समाहित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या है। 18 एम कक्षा में समाहित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या है 18। क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्र जीव है? एकिनोडर्मेटा। जंतु का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्र जीव है? एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनिया क्लोराइड। कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनिया क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। आप एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे, LPCVT एग्जाम 21 तारीख 8 महीना 2018 5 शिफ्ट। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिए जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा? अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव होगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? निषेचन के बिना फलों के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांच। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम LPCVT एग्जाम 21 तारीख 8 महीना 2018 2nd शिफ्ट। क्वेश्चन है हमारा, एक सांद्रमल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्रमल में पानी मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध। कौन सा उभयलिंगी फूल है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं? 6.02 × 10⁰। पानी के एक मोल में
कितने अणु मौजूद है? 6.02 × 10³, 6.02 × 10³। अबे हमारा 21/8 का थर्ड सेप्स का एग्जाम का पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑप्शन, निम्न में से कौन सा जानवर में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑप्शन, ऑप्शन से है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया। क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो शून्य। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है अर्थ फोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। कहलाता है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह खोया कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है? न्यूलैंड। तो दोस्तों, आज 20 तारीख और 21 के एग्जाम साइंस के क्वेश्चन कवर किए हमने। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना, इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, पढ़ाई करते रहना भाई।